Assalamu alaikum students, I am teacher Nazish from class 4. Today I will deliver you the lecture number 9 of SST class 4. So open the textbook page number 22. Today the topic is how does weather forecasting help us, कि कैसे जो है मौसम के weather forecasting यानी कि मौसम के बारे में बताना कि next days के अंदर आपका मौसम कैसे रहेगा. forecasting कहते हैं patient को ही करना कि future के बारे में आपको बताना. forecasting का आप पहले इसको highlight करके इसका meaning लिखेंगे. patient को ही करना forecasting है, patient को ही करना. when you predict the weather, you are weather forecasting knowing about the weather before head is always useful. यानी कि जब आप मौसम के बारे में पेशेंट को ही करते हैं, बताते हैं कि आपका मौसम फ्यूचर के अंदर कैसा रहेगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है. आई एम अ फार्मर कैसे हेल्पफुल होता है, जैसे ये देखें ये फार्मर है. अगर फार्मर को आप पता होगा कि कल आपका रेनी सीज़न है तो क्या होगा कि वो अपनी फसल के बारे में, क्रॉप्स के बारे में जो है वो उसकी सेफ्टी के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में वो कर सकता है, उसकी हार्वेस्टिंग के बारे में वो अच्छे डिसीजन ले सकता है. फ्लाइट मोड के अंदर अगर उनको पता है पायलट्स को कि आपका मौसम कैसा रहेगा, तो अपनी वो लैंडिंग के सिलसिले में, जहाज के सिलसिले में, अपनी फ्लाइट्स के सिलसिले में वो अच्छा शेड्यूल तरतीब दे सकते हैं. आई एम अ फार्मर व्हेन आई नो अबाउट द वेदर आई हैव मेड चेंजेस इन माय एग्रीकल्चर मेथड्स. यानी कि वो कहता है कि अगर मुझे पता होता है कि नेक्स्ट डे बारिश होनी है तो मैं अपने जो ज़रात के तरीके हैं उसमें चेंजिंग कर सकता हूँ. एग्रीकल्चर कहते हैं ज़रात को, इसको भी हाईलाइट करेंगे. फॉर इंस्टेंस जैसा कि इफ़ इट इज़ गोइंग टू रेन द नेक्स्ट डे, आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ माई क्रॉप टूडे. आई प्लान माई प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग मोर एफिशेंटली वेन आई नो अबाउट द वेदर बिफ़ोर हैड. यानी कि अगर आपको पता होगा कि कल बारिश है या कल मौसम ख़राब है, तो वो कहते हैं कि मैं इस रात के बारे में बेहतर जो है फैसले कर सकता हूँ, बेहतर तरीके यूज़ कर सकता हूँ अपनी क्रॉप को बचाने के लिए, अपनी हार्वेस्टिंग को, अपनी कटाई को सेव करने के लिए. मैं उसके बारे में बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकता हूँ. आई एम फ्लाइट कंट्रोलर, आई फर्स्ट फाइंड आउट द वेदर कंडीशंस एंड देन प्लान द फ्लाइट्स. यानी कि मैं पहले, वो कहते हैं कि मैं फ़्लाइट कंट्रोलर हूँ, मैं सबसे पहले मौसम को देखता हूँ कि मौसम कैसा है, उसके बाद मैं अपनी फ़्लाइट्स को तरतीब देता हूँ. द वे डैमेजिंग प्लेन्स और लॉन्ग टाइम इज़ अवॉइडेड माई फ्रेंड माई द स्टेशन मास्टर डज द सेम फॉर द ट्रेन्स इन हीज चार्ज. द बस टर्मिनल मैनेजर आल्सो डज द सेम फॉर द बसेज इन हीज चेंज. यानी कि वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि अगर हम जो है वो मौसम को नहीं देखते, अगर मौसम को देख के ये तरतीब नहीं देते, तो ये डैमेजिंग हो सकता है प्लेन्स के लिए, नुकसानदेह हो सकता है हमारे जहाज़ों के लिए, हमारी दूसरी चीज़ों के लिए. तो हम जब भी देखते हैं कि हमारे जो ट्रेन मास्टर हैं, हमारे बस चलाने वाले, हमारे फ्लाइट्स, हमारे जेट तैयारे या हमारे जो है वो पायलट्स जो हैं जो कि जहाज़ को उड़ा ते हैं, वो सारे जो लोग हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वेदर को देखते हैं, मौसम को देखते हैं. अगर मौसम अच्छा है तो उसके मुताबिक अपना शेड्यूल तरतीब देते हैं. आई एम वेदर फॉरकास्टिंग बाई चेकिंग द इंफॉर्मेशन आई रिसीव फ्राम द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. यानी कि वो कहता है कि मैं लोगों को मौसम के बारे में बताता हूँ जो कि मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से. आई नो बिफोर हैड वट द वेदर will be like in the next few days. वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि next few days में आपका मौसम कैसा रहेगा. people can listen to my forecast and plan their शेड्यूल. वो कहता है कि लोग क्या करते हैं कि लोग मेरे मौसम के हाल को सुनते हैं और अपना प्रोग्राम तरतीब देते हैं. आई वॉन्ट द पीपल ऑफ एनी कमिंग स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एट्सेट्रा. मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर मौसम जो है, अगर नेक्स्ट आपके फ्यू डेज़ के अंदर आपके कोई साइक्लोन्स आ रहे हैं, जो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तूफान वगैरह आ रहे हैं, तो मैं लोगों को इसके बारे में वार्न करता हूँ और लोग इसको देखते हुए अपना शेड्यूल जो है वो बनाते हैं. नेक्स्ट आपका क्या है कि हाउ टू डेली वेदर कंडीशन इफेक्ट अस. यानी कि जो डेली के वो आपकी वेदर कंडीशंस हैं वो कैसे आप पे असरअंदाज होती हैं. वेदर कंडीशंस इन्फ्लुएंस हाउ वी लिव एंड हाउ वी वेयर एंड व्हाट वी ईट. जो लोग मौसम है हमारा सूरत हाल, वो हमें बताता है कि हमने कैसे रहना है, हमने क्या पहनना है और हमने क्या खाना है. इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. ये हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम करदार अदा करता है. वी शुड हैव हाउसेज अकॉर्डिंग टू द वेदर. हम क्या करते हैं, हम अपने हाउसेज जो है हम अपने घर बनाते हैं जैसा कि हमारा मौसम होता है उसके मुताबिक. एस्किमोस लिविंग इन स्नो कवर्ड लैंड बिल्ड स्नो हाउसेज कॉल्ड इग्लो. हम क्या करते हैं, जो इग्लोज बनाते हैं, जो इग्लोज हैं वो बर्फ़ के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो घर बनाते हैं, जिसको हम लोग बर्फ़ का बनाकर जिसको इग्लो कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी स्नो फॉलिंग होती है उन एरियाज़ में कि वहाँ पर दूसरे जो हम लोग दूसरे आम लोग तौर पर जो हमारे डेजर्ट हाउसेज हैं या दूसरे हाउसेज हैं वो वहाँ पर कारामद नहीं होते. वहाँ पर इग्लो हाउसेज होते हैं जो कि उनको उससे
ठंड से उसको उनको महफूज रखते हैं। पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स यूजली बिल्ड वुडन लॉग कैबन्स। पीपल लिविंग इन द प्लेस वेर इट स्नो इन विंटर बट बिल्ड हाउसेज विच द स्लोपिंग रूफ सो दैट द हाउस ऑफ स्नो डज नॉट कुलेक्ट बट स्लाइड्स ऑफ द रूफ्स। अब लोग क्या करते हैं कि जो जंगलात में रहते हैं वो ज़्यादातर घर इस तरह बनाते हैं कि उनकी जो लकड़ी के वो हैं वो लॉग कैबन्स होते हैं, जो लकड़ी के घर होते हैं लकड़ी के मदद से उन्होंने घर बनाए होते हैं। नेक्स्ट उनका क्या है, वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो जो रहते हैं स्नो एरियाज़ में या माउंटेनियस एरियाज़ में वो क्या करते हैं, जब वो घर बनाते हैं तो उसकी छत ऊपर से स्लोप बनाते हैं, यानी कि इस तरह उनकी छत होती हैं जो आपके माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं जहाँ पर घर बनते हैं उनकी छतें जो हैं वो स्लोप्स में बनती हैं क्योंकि वहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है। अगर इस तरह की स्लोप्स की छतें होंगी तो वो बर्फ़ उसके ऊपर स्टे नहीं करेगी रूफ के ऊपर बल्कि वो नीचे स्लिप कर जाएगी, नीचे चली जाएगी। वी चूज वेयर वी वांट टू लिव डिपेंडिंग ऑन द वेदर। वी ऑफन चूज नॉट टू लिव इन द डेजर्ट बिकॉज इट इज़ हॉट, देर इज़ लिटल वाटर एंड यू कॉन्ट ग्रो एनी थिंग। उन्होंने कहा कि वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मौसम के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को चूज़ करते हैं। वो चूज़ नॉट टू बी लिव इन द डेजर्ट। हम जो है वो मौसम के लिहाज से वेदर के लिहाज से हम इस चीज़ को बताते हैं कि हम डेजर्ट्स में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम होता है। ये देखें आपको बैरनलैंड नज़र आ रही है, बिल्कुल खुश्क ज़मीन है, तो क्या है कि वहाँ पर हम रहना पसंद नहीं करते डेजर्ट्स में क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता। जब पानी नहीं होगा तो हमारी जो लिविंग कंडीशन है वहाँ पर वो बेटर नहीं होगी, हम अपनी सर्वाइवल के लिए वहां पर चीजें जो है वो हमारे लिए सर्वाइवल वहां पे मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आपका है वी ग्रो आवर क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। वीट कांट बी ग्रोन इन द प्लेस विद कोल्ड वेदर, वॉलंट्स एंड चेरीज कांट ग्रो इन द प्लेस हैविंग वार्म वेदर। हम उन्होंने कहा कि जो हम लोग जो हैं इस तरह नहीं कर सकते कि हम लोग जो हैं वो सर्दी के मौसम में या जो ठंडे इलाके वहाँ पर गंदम नहीं उगा सकते, जो वीट की फसल है वहाँ पर उगा नहीं सकते। इसके अलावा जो वहाँ पर गर्म इलाके हैं जैसे कि हमारा इंडस प्लेन वगैरह हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हम लोग वॉलनट ट्रीज और चेरीज नहीं उगा सकते क्योंकि वो गर्मियों के मौसम में नहीं होती बल्कि वो हमेशा सर्दी के मौसम में होती है। वी डिसाइडेड व्हाट टू वेयर अकॉर्डिंग टू द वेदर। इन हॉट वेदर वी वेयर लाइट लूज फिटिंग क्लॉथ्स वेदर वी वेयर थिक वार्म क्लॉथ्स। अब उन्होंने कहा है कि हम मौसम के लिहाज से कपड़े पहनते हैं, गर्मियों के मौसम में हम जो खुले कपड़े और जो हैं वो लूज़ फिटिंग वाले और जो हैं वो हल्के फुल्के कपड़े जो हैं हम लोग पहनते हैं, और सर्दियों में हम लोग जो वार्म क्लॉथ्स हैं या हमारे गर्म कपड़े हैं और थिक हैं जो मोटे कपड़े होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपका पेज नंबर 23 था। इसके बाद आप देखेंगे कल मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने किए थे 1-5। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 6-8, 6-7-8। व्हाट डज एक्सटिंक्ट मीन। इट मीन्स एन एनिमल आर प्लांट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि वो जो है एक्सटिंक्ट प्लांट्स वो होते हैं जो कि ज़्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर सकते। डिफाइन वेदर फॉरकास्ट, नोइंग अबाउट द वेदर फॉरकास्टिंग इज कॉल्ड बिफोर हैड इज कॉल्ड वेदर फॉर, यानी कि अगर आपको मौसम के बारे में पहले से पता चल जाए कि कल या परसों या अगले वीक में आपका मौसम कैसा रहेगा इसको आप वेदर फॉरकास्ट का नाम देते हैं। व्हाट इज द पोलर सैटेलाइट। इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड प्रोड्यूस फोटोग्राफ्स ऑफ इंटायर अर्थ एवरी डे इन आवर्स, यानी कि अगर आप पोलर सेटेलाइट में आपको बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है जो ज़मीन है वो फोटोग्राफ्स जो है वो पोलर सेटेलाइट्स में होती है जो कि आप दूसरे लोगों को दिखाते हैं या ऑर्बिट्स में, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो ऑर्बिट कर रही होती है वो चक्कर लगा रही होती है तो वो जो है पोलर सेटेलाइट जो है वो उनकी पिक्चर्स देते हैं वहाँ पर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप इनको लर्न करेंगे, आपने जो दो पेजेस हैं उनकी रीडिंग करेंगे।